हेलो एवरीवन, मैं तौसीफ इकबाल। आज मदर्स डे पे मैं एक स्पेशल स्टोरी आपके लिए ले आया। ये स्टोरी उनके लिए है जो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। एक बहुत बड़े शायर हैं हमारे हिंदुस्तान के, मुनव्वर राना साहब। वो कहते हैं, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। जब मैं घर से निकलता हूँ, दुआएं भी साथ चलती हैं। आज स्टोरी है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, एक लड़के की है। एक ऑथर इस स्टोरी को अपनी किताब में लिखते हैं कि एक लड़का अपनी माँ से बहुत नफरत करता है। उसकी वजह ये होती है कि माँ की एक आंख नहीं होती। लड़का जब माँ के साथ स्कूल जाता है तो उसके दोस्त वगैरह उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी माँ की एक आंख है। इस वजह से वो लड़का जो रहता है बड़ा नर्वस रहने लगता है, बड़ा सैड होने लगता है। और धीरे धीरे वो इतना नर्वस हो जाता है कि माँ के साथ कहीं जाना ही छोड़ देता है। ना वो पार्टीज में जाना अटेंड करता है, ना मैरिज फंक्शंस में जाना अटेंड करता है। और धीरे धीरे वक्त गुजरता है, वो अपनी स्टडीज को कम्प्लीट करता है और सिटी शिफ्ट हो जाता है जॉब करने। वहाँ वो जॉब करता है, जॉब करने के बाद काफ़ी सेटल हो जाता है, वहीं शादी भी कर लेता है। और माँ यहाँ अकेले रहती है। शादी के बाद बच्चे वगैरह हो जाते हैं, वहाँ पूरी फैमिली को सेटअप कर लेता है, वापस यहाँ पर नहीं आता जहाँ माँ रहती है। माँ को एक दिन बच्चे की बहुत याद आती है, सोचती है क्यों ना चले हम अपने बेटे से मिल लें। माँ जाती है सिटी बेटे से मिल लें। वहाँ पर अपार्टमेंट में पहुँचती है तो बच्चे उसे देखकर काफ़ी शोर मचाने लगते हैं। अपार्टमेंट में पहुँच के बेटे की जो है डोर को रिंग करती हैं माँ, बेल बजती है, बेटा बाहर आता है। माँ को देखता है, कहता है तुम यहाँ तक पहुँच आई मेरा पीछा करते हुए। माँ शर्मिंदगी महसूस करती है, कहती है लगता है मैं गलत पते पे आ गई। और इतना कह के आँखों में आंसू लेके वो वापस घर को लौट आती है, फिर कभी बेटे के पास नहीं जाती। कुछ समय के बाद बेटे के स्कूल में रीयूनियन के फंक्शन रखे जाते हैं। सोचता है क्यों ना अपनी वाइफ से कहता है, क्यों ना यार चले माँ से भी बहुत दिन हो गया है मिले हुए, माँ से भी मिल लेंगे, दोस्तों वगैरह से भी मिल लेंगे, टीचर से भी मुलाकातें हो जाएंगी। और वो आता है रीयूनियन फंक्शन, बट वहाँ पर माँ नहीं आई। डांस वगैरह होते हैं, पार्टीज होती हैं, स्पीचेस होते हैं, टीचर वगैरह से लड़का मिलता है, शाम का वक्त हो जाता है। अब उसको वापस सिटी लौटना होता है। सोचता है लौटते समय माँ को देख लेते हैं। वापस जाता है अपने घर जहाँ उनकी माँ रहती है और देखता है तो बाहर से ताला लगा रहता है दरवाजे पर। आस पड़ोस में पूछता है कि क्या हुआ, तो पड़ोसी बताते हैं कि माँ तो बहुत पहले गुजर गई, उनका निधन हो गया है। सुन के थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। एक पड़ोसी कहता है, आपकी माँ ने एक लेटर दिया था और कहा था मेरा बेटा जब आएगा तो उसे ये लेटर दे देना। लेटर वो लेता है और उसे पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा था, बेटा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मिलना तो मैं भी तुझे चाहती थी बट मुझे पता है मैं नहीं बचूंगी। और बेटा तुझे जिस माँ से बहुत नफरत थी, उसकी आंख से बहुत नफरत थी, एक बात थी जो मैंने तुझे नहीं बताई बट इस खत में मैं तुझे बता रहा हूँ। बचपन में जब तू 6 साल का था, मैं और तेरे पापा कहीं घूमने गए हुए थे। वहाँ पर एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट में तेरे पापा एक्सपायर कर जाते हैं और तेरी एक आंख चली जाती है। बेटा तुझे तो अभी पूरी जिंदगी बितानी थी, मेरी तो आधी से ज्यादा जिंदगी तो बीत चुकी थी, मैंने एक आंख अपनी तुझे डोनेट कर दी। इतना वो पढ़ता है, पढ़ के उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। दोस्तों, मेरा ये स्टोरी सुनाने का आज मकसद ये था मदर्स डे स्पेशल पे कि सिक्के की दो पहलू होते हैं। हमेशा चीज़ों को एक साइड से ना देखें और हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करें। जैसा कहा गया है ना, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो जरूर माँ की रिस्पेक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।